हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के बारे में कि आखिर शेयर बाजार में इस समय पैसा अपना इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है, और है तो आखिर कौन से म्यूचुअल फंड में या फिर कौन से म्यूचुअल फंड की SIP में हम अपने पैसे को निवेश करें, तभी हमें यहाँ पर अधिक प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो यहां पर निफ्टी में यहां पर 1.32% जो ग्राफ है वो ऊपर की ही तरफ, यानी कि निफ्टी में 1.32% उछाल देखने को मिला है। यहां पर सेंसेक्स में आपको देखने को मिला है 1.25%। इसी के साथ में यहां पर बैंक निफ्टी में आपको देखने को यहां पर मिल रहा है आज, ठीक है, जो कि आज सोमवार है, तो यहां पर देखने को मिला है 2.10% उछाल। इसी के साथ में हम और भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इसमें देखने को मिला है 1.84, 2.19 और 2.6%। जो कहने का मतलब है, अभी जो दो दिन से यहाँ पर जो कि शेयर बाज़ार में उछाल देखने को हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अब अगर शेयर बाज़ार में उछाल आपको बराबर देखने को मिल रहा है, तो कहने का मतलब है अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो पैसा बढ़ने की उम्मीद है वो पूरी पूरी रहती है, ठीक है। और वो क्यों रहती है वो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं करंटली, ठीक है, जो करंटली अमाउंट है वो मेरा यहाँ पर 3,13,270 रुपये है, ठीक है, जो कि यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है 6,994, ठीक है। यहाँ पर मैंने पैसे को निवेश किया था, कहने का मतलब है जो NAV गिर रही थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा गिर भी गई थी, ठीक है, तब मैंने इसमें पैसे को निवेश किया था। फिर उसके बाद में जो मुझे यहाँ पर लॉस देखने को मिला, तो वो यहाँ पर 12,000 तक मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया था, ठीक है। पर एक दिन जो कि जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता क्या है NAV का मतलब, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टॉक पर सिंपली क्लिक करता हूँ। अब स्टॉक में जो भी यहाँ पर चढ़ा उतार होगी, ठीक है, वो यहाँ पर शाम को कैलकुलेट होगी NAV, ठीक है, और वो NAV फिर हमें यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है। तो जो अभी NAV है वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो पाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ओपन ये SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें उछाल देखने को मिला है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मंथ का कर लेता हूँ, तब आपको ये सारा ग्राफ तभी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना यहाँ पर ग्राफ गिरा है, ठीक है। और वैसे तो एक ये पैटर्न बनते जा रहा है, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है, पैटर्न बनते जा रहा है। पर इतना जो ग्राफ गिरा है वो यहाँ पर गिरा था करीब 4 साल पहले, जैसे कि ये है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें अभी की, तो अभी 4 साल के अंदर देख सकते हैं इतना ग्राफ कभी भी नहीं गिरा है, ठीक है। पर जो ग्राफ है वो इस समय यानी कि अधिक ही गिर चुका है, जो इसकी NAV है बहुत ही सस्ती हो चुकी है, ठीक है। बहुत कहने का मतलब है, पहले जो NAV थी वो थी यहाँ पर 437, ठीक है, देख सकते हैं 437 तक पहुंच गई थी इसकी NAV। अब यहाँ पर जो NAV की बात कर लेते हैं, तो 406 रुपये इसकी NAV रह चुकी है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं अब क्या इसमें हमें पैसे को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं जैसे कि लमसम अमाउंट वन टाइम, ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाइएगा, ठीक है। अब इसमें रुक क्यों जाइएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक पैटर्न बनने आया, ठीक है, काफ़ी लोगों को पता ना हो, क्योंकि अगर हम जब भी नए नए होते हैं तो लॉस होने के चांसेस हैं वो अधिक हो जाते हैं। पर यहाँ पर जैसे कि ये म्यूचुअल फंड है, तो इस म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है, हो सकते हैं इसमें दो हों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, फंड मैनेजर, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि दिनेश और प्रदीप, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो इस चीज़ में माहिर हैं, ठीक है, उनके होते हुए भी, ठीक है, तो हमारा जो पैसा है म्यूचुअल फंड में हमने पैसे को निवेश किया है तब भी हमारा लॉस में जा रहा है, तो हम शेयर बाज़ार में तो हम
यानी कि अधिक प्रॉफिट कमा नहीं सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आप SIP चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, और SIP में आपको लॉस है देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको कुछ ही समय देखने को लॉस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही आप जानते हैं शेयर बाज़ार आज डाउन चल रहा है तो कल को उठेगा भी, ठीक है। हो सकता है कि आज ही से उठना स्टार्ट हो गया हो, ठीक है, पर इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। तो मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ। तो अभी अगर आप लमसम अमाउंट यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक जाइएगा, ठीक है। कुछ समय आप रुक जाइएगा, उसके बाद में जब ग्राफ लगे कि हाँ अब ऊपर की तरफ चलने लगा, जैसे कि मैं यहाँ पर 6 मंथ कर देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है एक ही दिन में जो NAV खिसकी थी, जैसे कि यहाँ पर थी 401, ठीक है, उसके बाद में NAV देख सकते हैं 406, तो कहने का मतलब है लगभग यहाँ पर 6 NAV यहाँ पर एक ही दिन में खिसक गई थी, यानी कि चढ़ गई थी, यानी कि बढ़ गई थी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो था करीब मेरे 12,000 रुपये का यहाँ पर लॉस दिखा रहा था, पर अब यहाँ पर 6 का दिखा रहा है, और आज NAV जो कैलकुलेट होगी फिर उसके बाद में हो सकता है कि जो लॉस देखने को मिल रहा है हमें, वो हमें देखने को ही ना मिले, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अभी होम पर लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम स्टॉक के उस पर आ गए, म्यूचुअल फंड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये 6,900 हमें कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर लॉस हमारा, ठीक है, जो कि हमने 3.5 देख सकते हैं, 313,270 हमारा करंट बैलेंस था, ठीक है, यानी कि है इस समय, पर हमने पैसा तो इसमें अधिक निवेश किया था। अब आप समझ सकते हैं अगर 6 7 ये है और करीब हमने 21,000-22,000 रुपये डाले थे इसमें, ठीक है, पर हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल जाए। तो शेयर बाज़ार आज डाउन है, कल उठेगा, ठीक है, तो इस बात की चिंता नहीं करनी है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं अधिक लंबे समय के लिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरी राय माने, ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाइएगा, ठीक है, जब यहाँ पूरी तरीके से उठने वाला है तब आप शेयर बाज़ार में पैसे को निवेश करें। क्योंकि अगर आपने पैसे को निवेश कर दिया और उसके बाद में, ठीक है, आपको वहाँ पर लॉस देखने को मिला तो आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो लंबे समय के लिए ही अपना पैसा निवेश करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपना पैसा इसमें से विड्रॉल कर लिया था, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जब NAV अधिक ही डाउन हो गई थी, ठीक है, फिर उसके बाद में अपना पैसा इसमें निवेश किया था, ठीक है, फिर भी यहाँ पर लॉस में देखने को मिल गया है। तो कहने का मतलब है लगातार यहाँ पर जो NAV है, जो शेयर बाज़ार है, वो गिरते ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप अपना पैसा इसमें निवेश ना करें, ठीक है।